बिहार के सबसे प्राचीन शिवलिंगों में शुमार गुप्त धाम गुफा स्थित शिवलिंग की महिमा का बखान आदिकाल से होता आ रहा है। गुफा के अंदर अवस्थित प्राकृतिक शिवलिंग पर हमेशा ऊपर से पानी टपकता है। इस पानी को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसकी बनावट को देखकर पुरातत्वविद अब तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि यह गुफा मानव निर्मित है या प्राकृतिक। ये चारों ओर से घने जंगलों से घिरा है। यहां तक आने का रास्ता जितना रोमांचक है उतना ही मनभावन। दुर्गावती नदी को 5 बार पार कर और 5 पहाड़ियों की यात्रा करने के बाद लोग यहां पहुंचते हैं। कहीं कहीं तो नजारा इतना सुंदर होता है कि ये स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। दूर दूर तक घना जंगल और जंगल के बीच से आती अनेक तरह के पक्षियों की चहचहाट, पहाड़ और नदियां यहां आने वाले को एक नई दुनिया का एहसास कराती है।